गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं भैया। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नेट कांटेक्ट फोर्स, करेक्ट? यस। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज और यू कैन से एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी क्या होता है इसको समझ। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, लेट्स से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन इज थीटा। क्या अज्यूम कर लिया? थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? थीटा। यहां पे एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अभी प्लेस किया है तो इसका कुछ वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी। इसका एक कंपोनेंट आएगा इस साइड एम जी साइन थीटा, एंड वन कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल होगा, नॉर्मल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन। तो अभी इस ब्लॉक की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में मोशन की? डाउन द प्लेन, है ना, डाउन द प्लेन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन। अब कहीं कुछ कुछ यहाँ पे टॉपिक हेडिंग क्या है इसका? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। मतलब आपको इस केस में लिमिटिंग लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात करनी, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इज व्हाट? ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। तो ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता था कि जो भी इस पे ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग मतलब जिस फोर्स की वजह से ये मूव कर सकता, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स एम जी साइन थीटा है, तो उस एम जी साइन थीटा को इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? फ्रिक्शन, बिकॉज इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की है। फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, यहाँ पे मैं म्यू अज्यूम कर रहा हूँ। फ्रिक्शन किस साइड लग रहा होगा? इस साइड। तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है फ्रिक्शन। इस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है उस केस में? क्या होता है? अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स ओवरकम द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन इन दैट केस ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग और एक्सेलरेटिंग। बट जब वैल्यू इक्वल होगी तो उसमें उसकी टेंडेंसी होगी। ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन पे होगा। तो इसी एंगल को, जिस एंगल पे ये क्या होगा, ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा या ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसी एंगल को क्या बोलेंगे अपन? दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। इसी एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सपोज ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, अगर आप वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, तो ये क्या करेगा? स्लाइड हो जाएगा। अगर मैं एंगल को डिक्रीज कर दूं, तो इफ एंगल इज लेस देन दिस थीटा, एंगल डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा? ब्लॉक मूव करेगा क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? नो, नहीं मूव करेगा, बिकॉज एम जी साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट, mg sin theta डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएगी, cos theta इंक्रीज हो जाएगा, theta डिक्रीज हो रहा है ना, तो sin theta डिक्रीज हो जाएगा, cos theta इंक्रीज हो जाएगा, तो mg sin theta जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है डाउन द प्लेन, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो गया। तो इस केस में वो मूव नहीं करेगा, वो किस में होगा? रेस्ट में होगा। अच्छा, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अप्लाइड फोर्स। टेबल बनाया, अगर मैं थीटा को इंक्रीज कर दूं, ऐसा इफ थीटा इज
इफ अभी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, लेट्स से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन दिस थीटा, तो अभी बॉडी मूव करेगी या रेस्ट में ही होगी? अभी बॉडी स्लाइड कर जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मूव करने लगे, एक्सेलरेट हो जाएगी बॉडी। इसका मतलब है अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करें, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज यही थीटा है, तो जो इंक्लिनेशन इज इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से कम है, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, उस केस में बॉडी रेस्ट में रहेगी। जब ग्रेटर हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से, तो उस केस में बॉडी एक्सेलरेट करेगा। जब इक्वल होगा तो उस केस में बॉडी किस में होगा? वर्ज ऑफ मोशन। क्लियर है? ड्रॉ कर लीजिए, मैं लिखता हूं। इट इज एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ, इट इज द एंगल ऑफ, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of an inclined plane, of an inclined plane at which the block placed on it, it is in limiting equilibrium, that is the block is on the verge of motion, block is on the verge of motion, verge of motion. Clear hai? To agar main FBD banaunga iska, FBD of block, FBD of block, FBD kaisi aayegi? ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, ये तो समझ में आ रहा है यार। इस डायरेक्शन में क्या आएगा? mg sin थीटा, और ये वाली वैल्यू नॉर्मल हो जाएगी। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट इस साइड इंक्लाइंड प्लेन के अलावा mg sin थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड mg cos थीटा, और ये सरफेस जो इंक्लाइंड प्लेन इस पे नॉर्मल लगाएगा इस साइड, ये आ जाएगा नॉर्मल। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, तो इन केस ऑफ n की वैल्यू किसके इक्वल है? mg cos थीटा। इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इस ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, है ना? mg sin थीटा इक्वल्स टू fs max, fs max क्या होएगा अभी? mg sin theta fs max क्या होएगा? mu into n, mg sin theta equals to mu mg cos theta, तो यहां से क्या आ जाएगा? cos theta को इस साइड लाइए तो sin theta upon cos theta equals to mu, therefore tan theta equals to mu हो जाएगा, तो theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan inverse mu। नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, theta equals to tan inverse, कॉपी कर लो इतना टाइम। सर यहाँ पे जो यू आपने लिखा है वो यूएस होगा ना? म्यू लिखा है सर, म्यू एस, सॉरी। अगर म्यू के म्यू एस डिफरेंट दिया हुआ है तभी लिखेंगे म्यू एस, है ना? डिफरेंट दिया हुआ है म्यू एस म्यू के, तो म्यू एस हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? म्यू एस हो जाएगा।
Sir, in angle of sliding, only the mg sin theta matters, right? What angle of sliding? Sir, like in the FBT of the block, only the mg sin theta will matter, right? तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग बेसिकली यही है ना, एंगल ऑफ स्लाइडिंग ये बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब यहाँ से FPD में क्या mg sin theta, FPD का mg sin theta is the downward motion, so only that would matter for the friction, right? Yes. mg cos theta won't matter. Correct. है ना? Because block has tendency to move down the plane, so mg sin theta would be the driving force. mg sin theta would be the driving force. mg cos theta का तो कोई मतलब ही नहीं, इसलिए आप mg sin theta पर मार्क्स के इक्वल करोगे इसको, ये तो इसके इक्वल रहेगा, इधर पार्टिकल इज एट रेस्ट और इन मोशन, करेक्ट? इसलिए ये वाला फोर्स है इंपॉर्टेंट अपने लिए, mg sin theta। यस, so what is u here? Mu. अच्छा, okay, fs. Yes. Mu is coefficient of friction. Coefficient of friction. सर, रियल लाइफ में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, दैट विल ऑलवेज बी मोर देन डायनेमिक फ्रिक्शन, नो? यस। तो लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो दोनों इक्वल हो गए। यस यस, ओके। तो यहां से tan theta क्या आ गया, tan theta इक्वल्स टू मी, tan theta equals to mu. Therefore, theta equals to tan inverse mu. Theta equals to tan inverse, correct? अब इसका मैं एक दो केस बना देता हूँ. Case one. If when theta is less than tan inverse mu. अगर angle of inclination की value इस angle of repose से less है, क्या होगा? एंगल ऑफ रिपोज इज टैन इनवर्स म्यू, तो अभी थीटा क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वैसा बोल रहे हैं, और वो टैन इनवर्स म्यू से लेस है, इसका मतलब पहले ऐसा था, यहाँ पे ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, अभी लेस कर दिया मतलब ये ऐसा हो गया, तो अभी तो ये रेस्ट में ही रहेगा ना, फिर इफ थीटा इज लेस देन टैन इनवर्स म्यू देन द ब्लॉक रिमेन्स at rest, remains at rest. और इस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा कैसा होगा, वो रेस्ट में है, स्टैटिक, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस होगी, बिकॉज ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो इसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा के इक्वल होगी, और ये वाली वैल्यू लेस देन म्यू इंटू एन, या म्यू एस इंटू एन बोल दो, यहाँ पे सिर्फ म्यू लिखा है इसीलिए म्यू इंटू एन लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में कर लेना, ये वाली वैल्यू क्या होगी, mg sin theta is less than this, बेसिकली fs की वैल्यू क्या है, mg sin theta होगी इस केस में। केस टू, if theta equals to tan inverse mu, then ये वाला केस, then the block is on the verge of motion, the block is on the verge of motion, verge of motion,
और इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो। कैसा फ्रिक्शन होगा इस केस में, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इस केस। केस थ्री, इफ थीटा इज ग्रेटर देन टैन इनवर्स म्यू, टैन इनवर्स म्यू, देन टैन इनवर्स म्यू से ग्रेटर है थीटा, देन द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। इस केस में एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को आपने एंगल ऑफ रिपोज से डिक्रीज कर दिया है, ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन टैन इनवर्स व्यू, क्या ये टैन इनवर्स व्यू एंगल ऑफ रिपोज है, तो लेस कर दिया है, तो उस केस में ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। जब थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स म्यू के इक्वल है तो ब्लॉक, अभी ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। व्हेन थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, देन इन दैट केस ब्लॉक, द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। अगर मुझे इस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना होता तो क्या होता है इस केस में, इस केस में मुझे अगर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना होता तो वैल्यू क्या होती, सर सेकंड केस में, फर्स्ट केस में, mg cos theta स्क्वायर प्लस एम जी साइन, यस थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा क्या है, अरे यहां पे तो यहां इस केस में इसको ऐसे लिए, ये ऐसा है ना, एक मिनट, ये ऐसा, ये क्या है एंगल ऑफ रिपोज है, थीटा क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज इस केस में हो जाए। Where theta is, correct answer. First case में क्या आएगा, net contact force would be mg. Net contact force first case में mg हो जाएगा, constant रहेगा। जब theta की value को आप zero से लेकर यहाँ तक vary कराएंगे ना, theta की value कहाँ से, zero to tan inverse mu, तब तक contact force की value constant रहेगी, और कितनी होगी mg, theta is angle of inclination. Tan inverse mu is angle of repose. Angle of repose. Theta is angle of inclination. Tan inverse mu is angle of repose. So the last sentence, lower part. Where theta is angle of inclination, tan inverse mu equals to angle of repose. Tan inverse mu equals to angle of repose.
डन? यस सर. नोट करके अभी तक जितना पढ़ा है नोट करके तीन पॉइंट में बताता हूँ. फर्स्ट इफ, थ्री पॉइंट्स. फर्स्ट इफ एफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग, नेट ड्राइविंग फोर्स. If Fs max मतलब limiting friction is greater than equals to net driving force, क्या होगा? Block move कर सकता है क्या, ये बताओ. Then block will be at rest. ऐसा करो, equal का sign हटा देना, equal को मैं अलग से लिखूं, ठीक है? ऐसा greater का सिर्फ greater, equal का sign मैं अलग से उसको एक case बना देता. If Fs max is greater than net driving force, then the block और बॉडी रिमेंस एट रेस्ट. जितना पड़ा है इंक्लाइंड प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कैसा भी रहेगा, द ब्लॉक रिमेंस एट रेस्ट. और इस केस में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी उसका जो नेचर होगा वो स्टैटिक होगा और फ्रिक्शन जो होगा वो नेट ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होगा. डू यू एग्री विद दिस? Second point, if Fs max equals to net driving force, net driving force, इस केस में क्या होगा? Then the block is on the verge of motion. इस केस में जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा? एफ एस मैक्स के इक्वल हो जाए और यही नेट ड्राइविंग फोर्स के इक्वल ही होगा इसकी वैल्यूज. थर्ड, इफ एफ एस मैक्स इज लेस देन नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स, देन द ब्लॉक स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, starts accelerating. और इस केस में जो फ्रिक्शन आएगा उसका नेचर कैसा होगा? काइनेटिक. और एफ के की वैल्यू हो जाएगी. ये तीन पॉइंट अभी तक पढ़ा है बस, और कुछ भी नहीं पढ़ा है फ्रिक्शन, सिर्फ यही पढ़ा. कॉपी कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप. सर. यस सर. अगर हमारे पास सपोज ये इंक्लाइंड प्लेन है एंड वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड्स, तो फिर तो ब्लॉक ऊपर मूव करेगा ना, इफ द एफएस मैक्स इज ग्रेटर होगा. हाँ, तो उसमें क्या है, तो क्या बोलना चाह रहे हो ये तो बताओ. नहीं, मैं वो ही पूछ रहा था, ऊपर नहीं. यस. ओके ओके, है ना, क्योंकि नेट ड्राइविंग फोर्स तो कोई भी साइड हो सकता है ना, किसी भी साइड, इसीलिए तो जनरल स्टेटमेंट लिखा है. सर. यस सर. वो लास्ट सेंटेंस में क्या लिखा है अपना? आई कांट रीड इट प्रॉपर्ली. इफ एफएस मैक्स इज लेस देन नेट ड्राइविंग फोर्स देन द ब्लॉक स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग. नहीं सर, उसके नीचे काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक, और एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू के इंटू एन. ओके सर, थैंक यू. म्यू के इंटू एन.
Yes, I'm done. टेन के जी 40 न्यूटन का फोर्स है यहाँ पर, इस एंगल को 37 डिग्री 37.53 इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाए वो वाले। और यहाँ पे जो म्यू एस गिवन है 0.5, म्यू के इज गिवन है 0.3। फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन सर। यस तो जो म्यू का 0.5 उसका छोटा सा आपने क्या लिखा है म्यू के साथ? म्यू एस इक्वल्स टू 0.5, म्यू के इक्वल्स टू 0.3। हमेशा म्यू एस और म्यू के ही आएगा, या तो सिर्फ म्यू होगा अगर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आएगा तो म्यू एस एंड म्यू के आएगा। फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ लॉ। Find the friction and acceleration of block. ये force कितने का है? 40 newton. Copy कर लो आप पहले. फ्रिक्शन आ रहा है 7.2, ओके फ्रिक्शन 7.2 आ रहा है, रॉन्ग आंसर। 7.2 कैसे आया? अगर बोथ साइड फोर्स एक्ट कर रहा है ना, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बोथ साइड, देन इन दैट केस यू हैव टू फाइंड नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स मतलब बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है वो आपको देखना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा नेट ड्राइविंग फोर्स के। जिस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन वुड बी 76 आ रहा है, करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन 76 आएगा, ये सही है, करेक्ट करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन वुड बी 76। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। क्या सर? tan 37 इज 4/3 नो? tan 37 इज 3/4, ऐसे बोला यार, लर्न कर। tan 37 ये 3 है, 3 लिख दो, 7 माइनस 3 4, 3/4। अब उसे ट्रायंगल बना लो, तो ऐसा ट्रायंगल आ जाएगा 37 का। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 37 है, तो 53 डिग्री आ जाएगा। तो 37 का एक वैल्यू लर्न किया, उसे 53 भी आ जाएगा, 37 भी आ जाएगा। फ्रिक्शन इज 32 एंड एक्सेलरेशन इज 0, करेक्ट आंसर। FBD of block. टेन के जी है, 100 न्यूटन, 40 न्यूटन है, 37 डिग्री, ये कितना आएगा? 40 cos 37, cos 37 होता 4/5, 32 न्यूटन, ये आ जाएगा 40 साइन 37, तो 40 इंटू 3/5 24 न्यूटन। तो ये 24 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 100 है नॉर्मल, तो लग ही रहा हो। तो देखो ये 100 है और इसको कितने फोर्स से पुल कर रहा है? 24, तो ये मूव तो नहीं कर सकता वाई डायरेक्शन में,
ये y डायरेक्शन में मूव तो नहीं कर सकते है ना। अब देखो x डायरेक्शन में इस पे फोर्स 32 है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा। अब इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो पहले एक बार मैक्सिमम फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए नॉर्मल फाइंड करना पड़ेगा। तो y डायरेक्शन में क्या होगा, अलोंग y डायरेक्शन नॉर्मल प्लस 24 दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस 100, नॉर्मल प्लस 24 इक्वल्स टू 100। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पे n नॉट बोल देता हूं मैं, n नॉट इक्वल्स टू 100 माइनस 24 इट वुड बी 76 न्यूटन। तो यहां से एफएस मार्क्स क्या आ जाएगा, म्यू एस इनटू n, म्यू एस की वैल्यू कितनी है तो 0.5 इनटू 76 किया जाएगा 38 न्यूटन, और एफके की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के इनटू n 0.3 इनटू 76 किया जाएगा 822.8 न्यूटन। अब यहां से क्या चेक करना है, यहां से लिमिटिंग फ्रिक्शन को चेक करना होता है। तो यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है, 32 न्यूटन। हियर नेट ड्राइविंग फोर्स एफएस मैक्स जो है वो ग्रेटर है, एफएस मैक्स 38 है, नेट ड्राइविंग फोर्स 32 है, एफएस मैक्स इज ग्रेटर देन नेट ड्राइविंग फोर्स। इट मींस क्या होगा, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब एक्सेलरेशन पे जीरो हो जाएगा। यस सर, यूके 0.5 है, 0.3 है, 0.5 सर, यूके यूके 0.3, यूके 0.3, यूएसए 0.5। ओके ओके, ठीक है। इट मींस ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एंड फ्रिक्शन कैसा होता है इस केस में, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, नेट ड्राइविंग फोर्स। तो एफएस फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है, 32 न्यूटन। तो आंसर 32 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, फ्रिक्शन 32 न्यूटन हो गया, ना तो 38 होगा ना 22.8 होगा, क्या होगा, 32 न्यूटन होगा। फ्रिक्शन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे है ना। अगर वैसा तुम अगर फ्रिक्शन को कंसिडर करोगे ना, सुन समझ ले, अगर तुम फ्रिक्शन को कंसिडर करोगे तो अलग से स्टेटमेंट, वो तीनों जो अपन ने पॉइंट लिखा है वो अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि फ्रिक्शन से कंपेयर ही कर रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन को क्यों कंसिडर करोगे। ओके, तो नेट ड्राइविंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होगा एक्सेप्ट फ्रिक्शन। कॉपी कर लो, आना चाहिए समझ में, कहां पे क्या, आगे सॉल्व करो ना कुछ। सर आंसर क्या है, फाइनल आंसर, आंसर ये है, एक आंसर ये है एक्सेलरेशन जीरो, दूसरा आंसर ये है फ्रिक्शन 32 न्यूटन, फ्रिक्शन 32।
डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेन के जी 100 न्यूटन 53 डिग्री म्यू एस इज 0.5 म्यू के इज 0.3 फाइन फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. Find the friction and acceleration of block. सर वो कितने डिग्री सर? 53 डिग्री. 53 डिग्री. 10 केजी 100 न्यूटन 53 डिग्री एंगल है वो. म्यूएस इज 0.5 म्यूएस 0.3. Find the friction and acceleration of block. नॉर्मल 20 आएगा. करेक्ट. सिक्स न्यूटन एंड 5.4 आई थिंक. करेक्ट. सिक्स तो आ रहा है कुछ तो वैसा है. FBD बना लेते हैं अपन. FBD ऑफ ब्लॉक. सर सर कैन यू प्लीज वेट. सर प्लीज वेट. सॉल्व कर सॉल्व कर. काइनेटिक फ्रिक्शन सही आंसर. मैच करा लेना एफबीडी ऑफ ब्लॉक. 10 केजी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन है. 100 न्यूटन है. एक कंपोनेंट इस साइड एक कंपोनेंट इस साइड. 53 डिग्री है. इस साइड क्या आएगा 100 कॉस 53. कॉस 53 कितना होता है 3/5 60 न्यूटन आ जाएगा. 100 साइन 53. साइन 53 होता है 4/5. 100 इंटू 4/5 तो ये 80 न्यूटन आ जाएगा. मैं डायरेक्ट 80. ये 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. 80 न्यूटन अपवर्ड्स मतलब ये इसको लिफ्ट नहीं कर पाएगा. तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा. तो पहले एक बार नॉर्मल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फिर फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे अपन. तो नॉर्मल एन प्लस 80 इक्वल्स टू एन नॉट assume कर लो इसको. N naught plus 80 equals to 100 newton. N naught equals to 20 newton. Normal 20 newton आ जाएगा. Fs max equals to mu s into n. तो 0.5 into 20 10 newton आएगा. And Fk is mu k into n. 0.3 into 20 6 newton आएगा. तो अब यहाँ से क्या है here Fs max 10 न्यूटन है. ड्राइविंग फोर्स इस पे कौन सा है? ये फोर्स ड्राइविंग फोर्स 60 न्यूटन. हियर Fs max इज लेस देन ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा. फ्रिक्शन की वैल्यू 6 न्यूटन हो जाएगी. एक आंसर तो ये आ जाए. ब्लॉक क्या कर रहा होगा? ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर है. इसका मतलब यही हो गया ना. इट मीन्स ब्लॉक starts accelerating. Block starts accelerating. Its block accelerates
यहाँ से क्या आ जाएगा एफ के इक्वल्स टू 6 न्यूटन, तो अभी क्या आ जाएगा जब एफ बी डी फिर से ड्रॉ करो, इस साइड 60 न्यूटन लग रहा है और इस साइड 6 न्यूटन लग रहा है, 10 kg है तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स क्या हो जाएगा 60 - 6 = 10A, तो 54 = 10A, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 54/10, इट वुड बी 5.4 m/s², इट वुड बी 5.4 m/s², कॉपी कर लो, तो एक्सेलरेशन आएगा 5.4 एंड फ्रिक्शन वुड बी 6, फ्रिक्शन वुड बी 6. FBD important है, free body diagram. So can you show the lower part, please? Next question. टेन के जी जरूरी है कि 10 kg का आएगा, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, कुछ 10 इसलिए ले रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी दिखेगा मुझे इसलिए मैं 10 ले रहा हूँ. 40 न्यूटन, 37 डिग्री और एक फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस साइड एक फोर्स लग रहा है, मिड में लगा दो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, F की वैल्यू जो है ये 80 न्यूटन लग रहा है, कितना 80 न्यूटन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है. फाइंड एक फोर्स इस साइड, फाइंड यहाँ पे म्यू एस दिया हुआ है 0.4 ले लो, म्यू के 0.3 कुछ भी ले सकते हैं वैसा कुछ है. फाइंड फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन एंड acceleration of block, find the friction and acceleration of block. FBD of block 10 kg.
100 न्यूटन, 40 न्यूटन, 37 डिग्री, 40 cos 37, 40 into 4 by 5, 32 न्यूटन, 40 sin 37, 3 by 5, 24 न्यूटन. तो ये 24 है, ये 100 है, नॉर्मल तो इसी साइड आएगा. एन नॉट, और इस साइड एक फोर्स लग रहा है 18. पहले नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं. दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 100. एन नॉट प्लस 24 इक्वल्स टू 100. तो एन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 76 न्यूटन. एन नॉट इज 76 न्यूटन. एंड एफ एस मैक्स क्या आ जाएगा? म्यू एस इंटू एन नॉट. 0.4 इंटू 76 कितना आ जाएगा यार? 4, 30.4 न्यूटन. एंड एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू के इंटू एन. 0.3 इंटू 76, 22.8. अब देखो यहाँ पे इस ब्लॉक का फिर से मैं एफ बी डी ड्रॉ करता हूँ. सिर्फ फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ. ये साइड 32 न्यूटन है और इस साइड 80 न्यूटन है. अब ये बताओ, ये 80 न्यूटन है या 32 न्यूटन है? नेट ड्राइविंग फोर्स इस पे किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन. यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स क्या दिख रहा है? 80 माइनस 48 न्यूटन. इसका मतलब फ्रिक्शन, ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन इस साइड एक्ट करेगा. अभी यहां से क्या है, एफएस मार्क्स की वैल्यू कितनी है? 30.4, और ये वाली वैल्यू 40. एफएस मार्क्स इज लेस देन नेट ड्राइविंग फोर्स. नेट ड्राइविंग फोर्स इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक होगा. ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक. 22.8 पहला आंसर तो यह है. ये साइड एक्सेलरेट करो. नेगेटिव टू, नेगेटिव कभी लिखते हैं क्या? फ्रिक्शन वुड बी नेगेटिव पॉजिटिव. ऐसा वैल्यू बता रहे हैं ना यार, डायरेक्शन थोड़ी शो कर रहे हैं. डायरेक्शन शो कर रहे हैं क्या? नहीं ना, नेगेटिव. इतना कॉपी कर लो, नोट कर लीजिए इतना. देन यूज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. You will get the value of acceleration. सर, यस सर, जब हम एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं तब हम फ्रिक्शन लेंगे ना. हां, तो फ्रिक्शन कैसा होगा वो तो देखेंगे ना. एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा वो तो डिसाइड कर सकते हैं. नहीं नहीं, व्हेन वी कंसीडर नेट ड्राइविंग फोर्स वी वोंट कंसीडर फ्रिक्शन, बट व्हेन वी कंसीडर एक्सेलरेशन. यस यस यस, ओके यस. ये तो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, इसलिए उसको नेट ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं. नेट ड्राइविंग फोर्स एक्सेप्ट फ्रिक्शन है, एक्सेप्ट फ्रिक्शन, बिकॉज़ फ्रिक्शन से ही कंपेयर करना है, इसलिए उसको फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना. बट एक्सेलरेशन फाइंड करने में कंसीडर करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो फोर्स तो एक्ट कर रहा है, वो फोर्स तो एक्ट कर रहा है. ओके सर, अभी यहां से क्या आ जाएगा? नेट फोर्स क्या लिखोगे आप? मास इनटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन लेफ्ट वो डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन होगा. मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. 80 माइनस 32 माइनस फ्रिक्शन कैसा होगा? काइनेटिक इक्वल्स टू 10 इनटू ये हो जाएगा 48 माइनस ये वाली वैल्यू कितनी है? 22.8 इक्वल्स टू 10 2 5 25.2 to 10 a, so a would be 2.52 meter per second square. A would be
2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यस है, एक ब्लॉक है 10 केजी और यहां पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है 500 न्यूटन। म्यू एस इज गिवन एज 0.4, म्यू के इज गिवन एज 0.3। क्वेश्चन ये, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फ्रिक्शन एंड acceleration of block, find the friction and acceleration of block. फ्रिक्शन 200 आ रहा है और कोई मूवमेंट नहीं है, 200 आंसर नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू 200 नहीं। मूवमेंट तो नहीं, हाँ फ्रिक्शन इज 100, करेक्ट, फ्रिक्शन इज 100, यस, एंड एक्सेलरेशन विल बी जीरो, सही। एफबीडी एफबीडी ऑफ ब्लॉक, टेन केजी 100 न्यूटन, इस साइड एक फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन, नॉर्मल इस साइड लग रहा होगा, ये सरफेसेस पे नॉर्मल इस साइड लगेगा एन नॉट। इस डायरेक्शन में तो इसका मूवमेंट हो ही नहीं सकता है, वो तो समझ में आ रहा है। फाइव, ये ऐसा वॉल है कहीं पे, ऐसा वॉल है, ये ब्लॉक है, आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो तो ये तो मूव करेगा ही नहीं, मूव करने की टेंडेंसी भी होगी तो इस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, तो एन नॉट की वैल्यू हो गई 500 न्यूटन के इक्वल। अब इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है आने की, तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, तो पहले फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ेगा। एफ एस मार्क्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन एन नॉट, म्यू एस इज 0.4 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 200 न्यूटन, एंड एफ के इज म्यू के इंटू एन 0.3 इंटू 500, ये हो जाएगा 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या है, हेयर 100 न्यूटन, ड्राइविंग फोर्स 100 न्यूटन होगी, है ना, तो यहाँ पे एफ एस मार्क्स इज ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या है 100 न्यूटन, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं 100, हेंस फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे 100 न्यूटन, तो फ्रिक्शन 100 न्यूटन हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो, मूव ही नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो फ्रिक्शन होगा 100 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो।
डन नेक्स्ट थर्टी सेवन ही मान लो ये एक ब्लॉक है फाइव केजी और यहां पे म्यू सिर्फ म्यू गिवन म्यू इक्वल्स टू 0.5 फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड द फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बताइए क्या म्यू इक्वल्स टू 0.5 So your starting and dynamic friction are same. हाँ, mu is same ना starting and dynamic friction जो है maximum limit maximum friction मतलब या limiting friction and dynamic friction जो है वो same because mu is same. So find the frictional force and acceleration of block. एक बार चेक कर लो फ्रिक्शन आ रहा है 20 न्यूटन एक्सेलरेशन सबसे पहले एक बार क्या चेक करना है कि थीटा की जो यही है थीटा ना थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए टैन इनवर्स म्यू से इसको चेक करो ये कितना आ रहा है टैन इनवर्स म्यू की वैल्यू क्या है टैन इनवर्स म्यू यही है ना एंगल ऑफ रिपोज क्या है टैन इनवर्स म्यू होता है तो tan इन पहले एक बार चेक कर लो tan इनवर्स 0.5 हो जाए करेक्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री ये 37 डिग्री थीटा इज 37 थीटा 37 का मतलब क्या थीटा कितना है अरे 37 को tan के टर्म्स में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे तुम tan 37 ना नहीं समझा एंगल ऑफ ये भी एंगल है ये भी एंगल यहां से कुछ वैल्यू आएगी ना tan इनवर्स 5 की कुछ वैल्यू होती है ना जब यहां से आप थीटा लिखोगे tan 37 ऐसा है तो थीटा को आप ऐसे लिखो ना tan इनवर्स 30 ये 3/4 के इक्वल होगा ना यार 37 थीटा कितना है 37 डिग्री है मैं टैन इनवर्स में ही लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे बिकॉज़ इसका डिग्री पता नहीं है ना तुम टैन इनवर्स 5 हाफ पता है क्या नहीं कितना होता है पता नहीं है कोई आइडिया नहीं है तो 37 से रिलेट करो ना एक बार 37 को आप लिख सकते हैं ना ऐसा टैन इनवर्स 3/4 नहीं समझा अरे ये समझ में आई बात तो ये कितना है ये ऐसा है ना tan इनवर्स 0.75 है ना ये और ये tan इनवर्स जीरो फॉर्म में लिखना है हाँ तो थोड़ा तुमको आइडिया लग जाएगा विच वन इज ग्रेटर है ना वो आइडिया लग जाएगा कि विच वन इज ग्रेटर नहीं तो ऐसे सॉल्व तो कर ही लेंगे ना एफबीडी बना के सॉल्व कर लेंगे यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है वरना एफबीडी बनाओगे सॉल्व हो जाएगा ठीक है एफबीडी बनाओगे सॉल्व हो जाएगा तो यहां से क्या दिख रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है या नहीं है मतलब थीटा इज ग्रेटर देन टैन इनवर्स म्यू है थीटा जो है वो टैन इनवर्स म्यू से ग्रेटर है तो ब्लॉक क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा ना फिर यार इफ थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज इसका मतलब इट मींस
It means the block starts accelerating. ये होगा रेस्ट में आता तो डायरेक्टली रेस्ट में आ जाता. अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज तो डायरेक्टली आप बोल देते कि रेस्ट में है और फिर आंसर कर दिया आगे सॉल्व कर देते. वरना अगर आपको ये चेक नहीं करना है तो डायरेक्ट एफबीडी बनाओ सॉल्व करो. अभी मैंने चेक कर लिया कि एक्सेलरेट करेगा. एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी इस डायरेक्शन में, ये कितना आएगा पहले 50 साइन 37 हो जाएगा, मतलब 50 इंटू 3/4 3/5 30 न्यूटन हो जाएगा. इस साइड कितना आएगा 50 इंटू कॉस 37 तो 50 इंटू 4/5 40 न्यूटन हो जाएगा. यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी काइनेटिक फ्रिक्शन. तो यहाँ पे तो म्यू इंटू एन ही होगा और एक्सेलरेट कर रहा है ये लिख दिया. वरना आपको क्या करना पड़ेगा पहले इसको फाइंड कर लीजिए, चेक कर लीजिए फिर आंसर कर लीजिए, उससे भी सही है. तो यहाँ पे 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी होगी 40 न्यूटन ही होगी ना, ये एन नॉट है ये इंटू 40 20 न्यूटन. यहाँ से भी दिख रहा है ये 30 न्यूटन है ये 20 न्यूटन है तो ये एक्सेलरेट कर रहा होगा. इससे यहाँ से भी चेक कर लिया कि वो एक्सेलरेट करेगा. या तो आप एफबीडी ड्रॉ करके डायरेक्ट चेक कर लीजिए या ऐसे चेक कर लीजिए, आपको जो भी सही लग रहा है वो कर लीजिए. बट आपको बताया कि डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या जाएगा नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 5a, तो 10 इक्वल्स टू 5a, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी और एक्सेलरेशन ये होगा. फ्रिक्शन ये होगा एक्सेलरेशन ये होगा. ठीक है कॉपी कर. तो जिसको चेक करना है वो चेक भी कर सकता है, वरना डायरेक्ट एफबीडी ड्रॉ करो, देखो क्या आ रहा है, डिसाइड करो एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा और फिर आप फाइंड कर लो जो भी है. वीडियो इम्पोर्टेंट है यार, वीडियो ड्रॉ कर लिया आंसर आ जाए, एक बार वीडियो ड्रॉ कर लिया आंसर. Done. Next question. ये थीटा है, ये ब्लॉक है. यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में F. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन. अ फोर्स F. अ फोर्स F इज अप्लाइड पैरेलल इज Applied parallel to the inclined plane, parallel to the inclined plane, plane to keep the block at rest, keep the block at rest. Find the range of F, range batana, range of F मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो,
which will serve this purpose. A force F is applied parallel to the inclined plane to keep the block at rest. Find the range of F which will solve this purpose. तो देखो अभी कोई पता नहीं अपने को, इसका कुछ भी आइडिया नहीं है कि ब्लॉक की टेंडेंसी, ये तो रेस्ट में रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया हो, बट ब्लॉक की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में मोशन की है कुछ पता नहीं. सपोज अगर मैं ऐसा मान लू, व्हेन ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव अप अप द इंक्लाइन, अगर इसकी टेंडेंसी इस फोर्स के लगाने से अपवर्ड डायरेक्शन में अप द इंक्लाइन है, इसका मतलब फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना. सेकंड, इफ द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, अगर ब्लॉक की टेंडेंसी इस फोर्स के लगाने के बाद भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की है, इसका मतलब फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो दो केस बनेगा, एक से मिनिमम वैल्यू आएगी, एक से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वहां से रेंज आ जाएगा. मिनिमम मैक्सिमम आ गया मतलब उसकी वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम जो है वैरी करेगी. तो एक केस में फाइंड कीजिए, केस वन बना दीजिए व्हेन द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, दूसरा व्हेन द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू मूव अप द इंक्लाइन. आंसर आएगा सर. यस सर, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एफएस मैक्स. ग्रेटर की बात नहीं कर रहे ना, वैल्यू आएगी. ग्रेटर स्मॉलर की बात तो अभी कर ही नहीं. मिनिमम वैल्यू पहले बताओ तो कितनी होगी. FBD ड्रॉ करो. सबसे पहले मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से व्हेन द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, व्हेन द ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की टेंडेंसी है, फोर्स लगा रहे, फिर भी इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में आने की है, डाउनवर्ड, फोर्स लगाने से वो रेस्ट में आ जा रहा है. तो ये mg sin थीटा है, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में आने की है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा. टेंडेंसी है मतलब आपको लिमिटिंग वैल्यू बतानी है, बाउंड्री कंडीशन यूज करना पड़ेगा. तो बाउंड्री कंडीशन के लिए f को क्या लिखना पड़ेगा, म्यू इनटू n. ये mg cos थीटा है, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू mg cos. अभी ये किस में है, रेस्ट में ही है ना, तो रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. तो f this plus this equals to this, f plus f equals to mg sin theta. ये क्या हो जाएगा, म्यू mg cos theta plus f equals to mg sin theta. तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg sin theta minus mu mg cos theta. तो ये f की एक वैल्यू आ गई जो मिनिमम वैल्यू. केस टू, आप इसको ऐसे भी mg कॉमन ले लिया तो ये sin theta minus mu cos theta हो जाएगा. केस टू, when the block has tendency to mop, then when the block has tendency to move up the incline. तो उस केस में क्या आएगा, इसका FBD जब ड्रॉ करोगे इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg sin theta. यहाँ पे फोर्स, इस फोर्स के लगाने से इसकी टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन मोशन की, तो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा. म्यू एन, फिर से यहाँ पे mg cos theta, और यहाँ पे नॉर्मल तो है नहीं होगा, इसकी वैल्यू म्यू mg cos theta हो जाएगी. अभी भी ये रेस्ट में ही, इसमें रेस्ट में, तो f equals to f plus mg sin theta होगा यहाँ. तो f की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू mg cos theta plus mg sin theta. तो म्यू mg कॉमन ले लीजिए, mg कॉमन ले लो, तो यहाँ से पहले मैं sin theta को ही लिख देता हूँ, प्लस म्यू cos theta. तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई फोर्स की, और ये मैक्सिमम वैल्यू, मतलब
अगर फोर्स की वैल्यू यहां से यहां तक वैरी करेगी उसमें ये ब्लॉक रेस्ट में ही होगा, उसमें ये ब्लॉक किसमें होगा, रेस्ट में होगा, बिकॉज अभी फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसिडर कर, फ्रिक्शन कैसा कंसिडर कर, मैक्सिमम मतलब अगर इस फोर्स की वैल्यू सपोज मैं ऐसा मान लेता हूँ ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 to 10, तब तक ये रेस्ट में रहेगा। अगर किसी ने बोला सर 6 न्यूटन में क्या होगा, तो भी ये रेस्ट में रहेगा। 6 न्यूटन के केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, कैसा फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को एडजस्ट करेगा वो, है ना। तो ऐसा नहीं है, 5 है ये 10 है, तो 5 to 10 तक वो रेस्ट में ही होगा, 5 to 10 तक वो किसमें होगा, रेस्ट में ही होगा। कॉपी करो सर। यस सर, इन द फर्स्ट केस ब्लॉक वाज स्लाइडिंग डाउन, सो वी जस्ट प्रोवाइडेड फोर्स टू स्टॉप इट, मतलब बिकॉज़ फ्रिक्शन वाजंट एबल टू ओवरकम द वेट ना। और सर सेकंड केस में क्या हुआ वो समझा नहीं मुझे। सेकंड केस में जैसे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से इसकी टेंडेंसी मोशन की किस डायरेक्शन में आ रही है, अपवर्ड्स। तो यहां से यहां पे जितना फोर्स लगा रहे हो, तो यहां पे जो फोर्स लगाओगे उसकी वैल्यू इससे ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर होगी तभी तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी ना टेंडेंसी मोशन। यस सर, देख रहे हो यहाँ पे ग्रेटर तो दिख भी रहा है ना, प्लस आ रहा है यहाँ पे, साइन माइनस है, यहाँ प्लस है ना, तो ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, इसकी वैल्यू ग्रेटर है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये दोनों फोर्स सेम है, ये फोर्स और ये फोर्स डिफरेंट हो गया ना, ये माइनस है यहाँ पे, यहाँ पे प्लस है, ये ग्रेटर है, ये मिनिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम। सर तो सेकंड केस में मैंने उसको वेट ओवर करके पुश किया, and then friction will prevent me from doing that. मतलब suppose मान लो mg sin theta की value 5 newton, correct? Yes. तो तुमने पहले force लगाया 5 newton किया, 5 newton में क्या आ जाएगा? Rest में आ जाएगा, है ना? तो उस time पे friction होएगा नहीं, नहीं, तो फिर आप तुम 5 newton से increase कर रहे हो, तो आप जो extra force लग रहा है उसको कौन balance कर रहा होगा? Friction. तो friction backward direction में लगेगा, और ये forward direction में लगेगा। यस सर, आप वैल्यूज लेके आप ये कर सकते हो। हाँ, वैल्यूज से भी हो सकता है, म्यू की कुछ वैल्यू होगी, थीटा कुछ होगा, फोर्स कुछ होगा, मास कुछ होगा, वैल्यू आ जाएगी, उसमें क्या है। Sir, and what if mg sin theta was completely balanced by mu mg cos theta? इससे ये balance होगा, तो ये accelerate करेगा अगर force लगाओगे। mg sin theta अगर mu mg cos theta से balance हो रहा है, मतलब force लगाओगे तो ये क्या करेगा? Accelerate करेगा। या तो mg sin theta की value, या इसकी value क्या हो जाएगी? Self adjusting force होता है, या ये value decrease होगी, ये value decrease होगी, क्योंकि ये तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो पहले आपको देखो, पहले mg sin theta नहीं लगता है, तभी भी फ्रिक्शन पहले मत लगा देना। पहले क्या देखना पड़ेगा आपको? नेट ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे अगर नेट ड्राइविंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स क्या आएगा? फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना नेट ड्राइविंग फोर्स में, ये क्लियर होना चाहिए। जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं फ्रिक्शन से, तो उसको मैं फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं, यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसीलिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो पहले आप नेट ड्राइविंग फोर्स देखोगे, उसके बाद फ्रिक्शन एक्ट करता है। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन को पहले। सर ऐसा भी तो हो सकता है जो फोर्स अप्लाइड है उसकी वैल्यू जीरो है, और म्यू mg cos थीटा एंड mg sin थीटा को बैलेंस कर। हां, तो उसमें क्या होगा? तो फिर फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, फोर्स की वैल्यू जीरो, मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा है ना। यस, मिनिमम वैल्यू होगा ना जीरो। मिनिमम नहीं, फोर्स लग ही नहीं रहा है ना फिर। यस सर, जीरो है मतलब फोर्स को शो क्यों कर रहे हो, फिर हटा दो ना फोर्स। चारी बात समझ। सर तो क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू विल नॉट मीन जीरो, देयर हैज टू बी समथिंग। हां, कुछ तो वैल्यू होगी ना यहां पे, यहां पे तो कुछ वैल्यू होगी, बिकॉज़ यहां पे शो कर रहे हैं। तो पहले मैं फोर्स डालूं फिर फ्रिक्शन कंसीडर करूं। यस, ओके। नेट ड्राइविंग फोर्स यहां पे, अब क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक रिमेंस at rest when, क्या हो जाएगा, F is greater than equal to
एफ मीन, या आप ऐसे लिख सकते हैं एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा, इसी को बोल रहे हैं मिनिमम फोर्स, ये एफ मिनिमम है और ये वाली वैल्यू एफ मैक्सिमम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन, 5 kg, 10 kg, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, यहां पे जो म्यू गिवन है 0.6, सिर्फ म्यू दिया हुआ, म्यू 0.5, पर यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, लाइट है, लाइट इनएक्सटेंसिबल नहीं भी गिवन है तो समझ में आ जाना चाहिए, कभी अगर इसका मास होगा तो वो गिवन ही सिंपल स्ट्रिंग। यहाँ पे फ्रिक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड के बीच कितना है 0.6, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड इज 0.5। फाइंड करना है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक ए, ए एंड बी ऑल्सो फाइंड। हाउ कैन दे हैव डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स ओवर देयर इफ इट्स द सेम सरफेस? अरे एक सरफेस पे थोड़ी डिपेंड करता, दोनों के सरफेस पे डिपेंड करेगा ना यार फ्रिक्शन। अच्छा ओके ओके सर। फोर्स ऑन ब्लॉक ए एंड बी एंड एक्सेलरेशन ऑन and acceleration of blocks, blocks also find the tension in the string, tension in the string when three different cases, when f equals to, main f ki value assume kar leta hu 25 newton, tabhi batana hai aapko. When F is 25 Newton, then find the frictional force acting on block A and B, find the acceleration of blocks and find the tension in the string. Kabhi, when applied force equals to 25 Newton. Second, F equals to 75 Newton. Third, F equals to 100 Newton. F equals to 100 Newton. Ek try karo. Ek main solve karu kya first one? पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व, ठीक है, सेकंड तुम सॉल्व, बट थोड़ा फास्ट करना। सर यहाँ पे भी हम टेंशन ढूंढेंगे और फिर वैसे ही करना ना, एक्सेलरेशन विल बी सेम। एक्सेलरेशन ए और बी का क्या होगा, जब भी होगा एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा, सेम ही होगा, बिकॉज़ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, अगर एक ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा होगा तो दूसरा भी एक्सेलरेट करेगा, अगर एक रेस्ट में है तो दूसरा भी रेस्ट में होगा। इसका मतलब आप पूरे ब्लॉक को ए एंड बी को आप सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, करेक्ट? यस सर। एक्सेलरेशन सेम होगा तो सिस्टम तो अज्यूम कर ही सकते हैं। आपको बताया है कि एक्सेलरेशन अगर ब्लॉक का सेम होता है तो आप उसको सिस्टम कंसीडर कर लीजिए। क्या कंसीडर कर लीजिए? सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, ठीक है? सबसे पहले ये चेक करो कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट कभी करेगा, क्या हो सकता है उसका कंडीशन? ब्लॉक ए ब्लॉक बी है, 5 kg है, 10 kg है, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है 0.6, एयर म्यू इज 0.5, अप्लाइड फोर्स इज एफ, तो यहां से मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है? एफ बी, एफ बी एस मैक्स, this would be mu into n, तो यहाँ से ये वाली क्या हो जाएगी? mu 0.6, n की वैल्यू कितनी होगी? 50, कितना आ जाएगा ये? 30 न्यूटन, और यहाँ पे fas max क्या हो जाएगा? mu into n 0.5 into 100, 50 न्यूटन, करेक्ट? अब ये बताओ,
जैसे आप फोर्स लगाओगे, जब भी आएगा ब्लॉक ए एंड बी वो एक साथ ही मूव करेगा, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, कंपल्सरी है, होना ही है, बिकॉज स्ट्रिंग ऐसी है, इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल। तो अभी मुझे बताइए कि अगर मैं फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा तो ये ब्लॉक भी मोशन का अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 50, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 70, तो इसको मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड 80 न्यूटन। हाँ 80 न्यूटन, मतलब ग्रेटर देन 80 न्यूटन होगा तभी ये मूव करेगा, करेक्ट। 80 न्यूटन फोर्स टू वन टेंशन इज जीरो। हाँ सही है। तो यहां से एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं इसको एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा, तो ये 15 केजी हो गया, है ना, और यहाँ पे फोर्स इतना है, और इस साइड जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है एफ एस मैक्स, वो वाली वैल्यू होनी चाहिए 30 + 50 80 न्यूटन, इन दोनों का एक्सेलरेशन ये। तो इसको मोशन के लिए क्या चाहिए, एफ की वैल्यू कितनी चाहिए, ग्रेटर देन 80 न्यूटन चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये 25 है, मूव करेगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन में 75 है, मूव नहीं करेगा। फोर्थ थर्ड में 100 न्यूटन है, थर्ड केस में ये एक्सेलरेट करेगा सिस्टम, फर्स्ट टू केसेस में वो एक्सेलरेट करेगा ही नहीं। इतना कॉपी कर लो, फिर मैं केस वन, केस मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेता हूँ, सॉल्व कर लो, देखते क्या आता है। टेंशन और फ्रिक्शन में पहले कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन आएगा या फ्रिक्शन? अरे यहाँ पे टेंशन और फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा ना, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, टेंशन एक्ट करेगा, बट जब ये स्ट्रिंग टॉट होगी तभी टेंशन आएगा। तो जब भी फ्रिक्शन और टेंशन हो, फ्रिक्शन पहले आता है, फ्रिक्शन कम्स बिफोर टेंशन। फ्रिक्शन कम्स बिफोर टेंशन, नोट करके ये पॉइंट लिख लेना। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या होता है, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शन कम्स बिफोर टेंशन। सर यस सर, सपोज अगर ऐसा हुआ कि हम फर्स्ट ब्लॉक इज मूविंग, सेकंड ब्लॉक इज नॉट एबल टू मूव, देन तो स्ट्रिंग विल हैव टेंशन, नो टॉट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। अरे बताओ ये मूव कर रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं, नहीं, स्ट्रिंग का नॉट मूव, मतलब सपोज दो ब्लॉक्स वर कैप्ड एंड द स्ट्रिंग वाजंट टॉट, एक को मैंने हिलाया वो थोड़ा आगे हिला एंड देन वो रुक गया बिकॉज़ द अदर ब्लॉक कुड नॉट मूव ओनली, दैट इज। हां हो सकता है, बट पहले कौन आएगा, फ्रिक्शन ही आएगा ना। हां बट देन टेंशन भी तो क्रिएट हुआ ना आफ्टर द ब्लॉक, आएगा, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि टेंशन नहीं आएगा, मैंने कभी बोला कि टेंशन जीरो होगा, ऐसा बोला, स्टेटमेंट दिया क्या मैंने, नहीं, मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन कम्स बिफोर टेंशन, जब वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा तो जो फोर्स है वो कहाँ पे जाएगा, टेंशन में जाएगा। यस सर, है ना, वो टेंशन में ही जाएगा। कॉपी कर लिया इसको, देख फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, व्हेन एफ इक्वल्स टू 25, तो हियर क्या है, अप्लाइड एफ एस मार्क्स ग्रेटर हो गया ना नेट ड्राइविंग फोर्स, या अप्लाइड फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इससे ग्रेटर हो गया, इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो एफ बी डी ड्रॉ कर लेता हूँ, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए की एफ बी डी क्या होगा 10 kg, ये फोर्स लग रहा है इस पे 25 न्यूटन का, यहाँ पे फ्रिक्शन, तो पहले फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे टेंशन भी, एक्सेलरेशन जीरो है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, करेक्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शन कम्स बिफोर टेंशन, बिफोर टेंशन। तो अब यहां से अगर आप देखोगे ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए को अगर आप देखो यहां से ब्लॉक ए, इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है ये बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, 50 न्यूटन, अरे एफ एस मार्क्स क्या है 50 ना,
बट ये कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये कितना लगेगा? 25 ही लगेगा। अगर ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में टेंशन जीरो हो गया। एफबीडी ऑफ बी, एफबीडी ऑफ बी, बी की एफबीडी क्या आएगी? ब्लॉक बी। इस साइड टेंशन टी है, इस साइड फ्रिक्शन होगा एफ बी। टेंशन की वैल्यू जीरो है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ये जीरो है तो ये भी जीरो, बिकॉज़ एक्सेलरेशन जीरो है। ये बात आई समझ में? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 30 न्यूटन। बट यहाँ पे टेंशन जीरो है, तो कोई फोर्स इसको पुल कर ही नहीं रहा है, कोई फोर्स इसको पुल नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस पे अप्लाइड फोर्स एक तरह से जीरो मान लो, पुलिंग फोर्स क्या है? जीरो है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज जीरो। अरे समझा या नहीं समझा? यस सर। सेकेंड, व्हेन 25 न्यूटन, व्हेन एफ इक्वल्स टू 75 न्यूटन, व्हेन इक्वल एफ इक्वल्स टू 7। इस केस में क्या है? फिर इस केस में बीएफएस मार्क्स इज ग्रेटर देन नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग एफबीडी ऑफ, इसका मतलब एक्सेलरेशन अभी भी जीरो होगा सिस्टम का। एफबीडी ऑफ ए, एक ही एफबीडी, एक्सेलरेशन तो जीरो है, इस साइड फोर्स लग रहा है 75 न्यूटन। अभी फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम कितना लग सकता है? 50। तो यहाँ पे एफ ए की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाएगी। अभी टेंशन कितना होगा यहाँ पे? 75 इक्वल्स टू एफ ए प्लस टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 माइनस 50, टेंशन हो जाएगा 25 न्यूटन। एफबीडी ऑफ बी ड्रॉ कर लीजिए, एफबीडी ऑफ बी ड्रॉ कर लीजिए, वहां से भी आ जाएगा आपको फ्रिक्शन, आ जाएगा वहां से फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी। Sir, I didn't understand case one. Case one. Last में कितना रहा? 36.66 न्यूटन। चेक कर लेते एक बार। Sir. Yes. Sir, अगर हमें net driving force को define करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको नेट ड्राइविंग फोर्स, फ्रिक्शन को छोड़ दो, बाकी जितना फोर्स है वो नेट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है? क्योंकि फ्रिक्शन से ही कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा लिख लें। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एक्सेप्ट फ्रिक्शन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एक्सेप्ट फ्रिक्शन। अच्छा, ओके सर, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक एक्सेप्ट फ्रिक्शन, दैट सेम थिंग। एफबीडी ऑफ बी, एफबीडी ऑफ बी 5 kg टेंशन टी एफ बी। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा था? ये 25 न्यूटन, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये फोर्स भी कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन है। थर्ड पार्ट इसका, व्हेन एफ इक्वल्स टू 100 न्यूटन, एफ की वैल्यू क्या है? 100 न्यूटन। तो अभी ये क्या होगा इस केस में? एफ एस मार्क्स इज लेस देन नेट ड्राइविंग फोर्स, तो यहां से अभी फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इन दोनों का मास कितना हो जाएगा? 15 kg, और इस साइड जो एफएस मार्क्स है वो कितना है? 30 प्लस 50, 80 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा इस डायरेक्शन। तो अब क्या लिखोगे? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 100 माइनस 80 इक्वल्स टू
15a, therefore 20 equals to 15a. A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 by 15, 4 by 3 meter per second square. तो acceleration of block ये आ जाएगा, acceleration of block ये आ जाएगा. FBD draw कर लो अभी, FBD of A. यहाँ पे F कितना है, 100 newton. फ्रिक्शन कितना लगेगा अभी, 50 न्यूटन तो लगेगा ही, और इस साइड एक टेंशन टी आ जाएगा. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 4 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस पे नेट फोर्स क्या लिखोगे आप, एफ नेट एस एम इनटू ए, इस पे ये कितना है, 10 केजी. तो 100 माइनस 50 माइनस टी इक्वल्स टू 10 इनटू 4 बाय 3. तो 50 इसको इस साइड लाइए, 40 बाय 3 कितना आ जाएगा, 13.33 ऐसा आ जाएगा. तो टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी कितना आ जाएगा यहाँ से, 36.667 न्यूटन. टेंशन आ गया. एफबीडी ऑफ ए बी, तो बी की एफबीडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ रहा है 36.667 न्यूटन. यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, अभी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, 30 न्यूटन लग रहा होगा. हो गया, इसमें तो कुछ सॉल्व ही करना नहीं है, एक्सेलरेशन तो पहले से पता है. तो यही हो गया आंसर, कॉपी कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रहेगा. सर एक क्वेश्चन है सर, 1 मिनट ही लगेगा सर. जो फ्रिक्शन है और जो अप्लाइड फोर्स है, दे डोंट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, तो फिर द ब्लॉक विल नॉट लाइक ब्लॉक ब्लॉक का यहाँ पे ऐसा कुछ डायमेंशन ले रहे हैं क्या, ये डायमेंशन ले रहे हैं कि इसका लेंथ ये है, उसका लेंथ ये है, ऐसा क्या? स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, कौन सा मोशन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं पहले ये बताओ, ट्रांसलेशनल मोशन. यस सर. कौन सा मोशन कंसिडर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसलेशन. फिर कहाँ से, सेम लाइन में है या नहीं, उसे कोई मतलब है क्या, अरे फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, like friction is acting along the like the bottom of the block and we are applying force in the center of the block, so as it topple nahi karega block. topple karne ko kya bolte hain, translational bolte hain ki rotation mein jayega, rotation. to fir tum kyu bol rahe ho yahan pe, acha to we won't consider that case right now. aayega alag ek chapter hi hai rotation. starting mein bataya hai na kya ki mechanics mein kaun kaun sa chapter padhenge. yes sir. उसमें एक चैप्टर का लास्ट में रोटेशन. यस सर. यस. हां तो वहां पे आएगा, वहां पे ये मैटर करेगा कि कितने डिस्टेंस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो कभी ये टॉपल होगा नहीं होगा, आएगा सब आएगा. अभी क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैटर करता है. हां सब आएगा, वो सब आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सब आएगा. बट अभी सिर्फ क्या अपन कंसीडर कर रहे हैं, इसका जो डायमेंशन है उसको कंसीडर नहीं कर रहे, एक पॉइंट मास की तरह समझो तो उसको ट्रीट कर रहे हैं ऐसा. ओके सर. ओके. यस सर. थैंक यू सर. चलो आज के लिए इतना ही रहेगा. बाय बाय. टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट. ठीक है. होमवर्क कर लेना यार.